हेलो दोस्तों, आज मिले एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक न्यू वैकेंसी आया है, अगर आपने टेंथ किया है दोस्तों तो आप एलिजिबल हो, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो दोस्तों आप एलिजिबल हो। तो दोस्तों इसमें पूरी डिटेल्स हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों गवर्नमेंट की या प्राइवेट की कोई भी वैकेंसी आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलती है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करो। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर देखो कोट, यहाँ पर बलांगीर। दोस्तों जॉब्स यहाँ पर नोटिफिकेशन 2024 के लेके है। दोस्तों देख सकते हो ये उड़ीसा के लेके है। आप देख सकते हो अब ये जो एग्जाम जो ये वैकेंसी है जो ऑर्गेनाइज कराएगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर देखोगे बलांगीर का है। यहाँ पर दोस्तों देखोगे जो उड़ीसा में, आप देख सकते हो ये जो पोस्ट नेम रहेगा जूनियर क्लर्क के, दोस्तों यहाँ पर पोस्ट आपको मिल जाएगा। एंड कॉपिस्ट मिलेगा, स्टेनोग्राफर के दोस्तों मिलेगा, और जूनियर यहाँ पर देखोगे जूनियर टाइपिस्ट यहाँ पर देखोगे, और सैलरी अमीन के भी दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है। आप देख सकते हो इसमें टोटल जो वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पर 32 वैकेंसी है। ये सारे पोस्ट के मिला के टोटल जो वैकेंसी है 32 यानी 32 दोस्तों इसमें वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा एंड टेंथ दोनों एलिजिबल है। अगर आप डिप्लोमा किए तब भी दोस्तों एलिजिबल हो, चाहे आप टेंथ किए तब भी एलिजिबल हो। आप देख सकते हो ये दोस्तों जो मोड है ये ऑफलाइन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस यहाँ पर पोस्ट पर कितने सीटें आपको मिल जाएगा। जूनियर क्लर्क एंड द कॉपिस्ट के दोस्तों जो सीट है वो 24 पोस्ट है आपका जो यहाँ पर देख सकते हो, और जूनियर जो टाइपिस्ट का है 1 पोस्ट है। आप देख सकते हो तो दोस्तों फॉर्म को फिल कर लेना है, आपके लिए दोस्तों अच्छी है अगर आप जॉब करना चाहते हो तो। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्तों देखोगे 6 पोस्ट है यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर सैलरी अमीन के दोस्तों 1 पोस्ट है। आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन आप देखोगे यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए पास, यहाँ पर एग्जामिनेशन आपको वही कि डिप्लोमा चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हो डिप्लोमा चाहिए आपको, डिप्लोमा अगर आपने किया है 3 ईयर्स के तो आप दोस्तों एलिजिबल हो, डिप्लोमा आपको चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों आप देखोगे डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देखोगे स्टेनोग्राफर के लिए डिप्लोमा चाहिए। अगर आप टेंथ किए तब भी दोस्तों आप यहाँ पर एलिजिबल, आप दोस्तों देख सकते हो मैं साहब दोस्तों मेट्रिकुलर यहाँ पर दोस्तों देखोगे। अगर आप अमीन के लिए दोस्तों पोस्ट कर अप्लाई करोगे तो अगर आपने टेंथ किया है तो आप एलिजिबल हो। आप देख सकते हो अब यहाँ सैलरी हम देख रहे हैं, जो सैलरी जो मिलेगा आप यहाँ देखोगे सैलरी जो मिलेगा यहाँ पर सैलरी डिटेल्स में जूनियर क्लर्क के लेकर मिलेगा 1900 से आपको 63,000 तक मिलेगा। दोस्तों देख सकते हो जो यहाँ पर मिल जाएगा स्टार्टिंग जो मिनिमम सैलरी 19,900 से स्टार्ट है। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो सैलरी है 69,100 तक सैलरी, आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो अमीन का सैलरी 21,700 से 69,100 तक सैलरी। आप देख सकते हो ये सैलरी हमने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो एज के लेके, एज मिनिमम आपको चाहिए 18 साल के अगर आप हो तो एलिजिबल हो, अगर मैक्सिमम एज यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो यहाँ तक मैक्सिमम 32 साल तक है, तो 32 साल तक के दोस्तों आप एलिजिबल हो। अगर आप अमीन के लिए दोस्तों पोस्ट के लिए करोगे तो आप 38 ईयर्स के लिए आप एलिजिबल हो। देख सकते हो अब सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा आपका एक यहाँ पर देखोगे रिटेन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपका एक जो होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप देख सकते हो उसके बाद आप देखोगे और भी स्कोर के नीचे जाओगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख ले रहे हैं। आपको कैसे अप्लाई करना है इसका जो लास्ट जो आप देखोगे लास्ट डेट जो है यहाँ पर देखोगे नोटिफिकेशन जो आया था आपका 23 मई को ये नोटिफिकेशन आया, इसका जो लास्ट डेट है 24 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। देख सकते हो 24 जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो का लाइक और शेयर करें, और अपने चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।